एक छोटा सा लड़का जो कि लगभग 11-12 वर्ष का रहा होगा, एक दवाई की दुकान पर गया और उसने उस मालिक से फ़ोन मिलाने की आज्ञा ली। फिर उसने एक बड़ा सा बक्सा खिसकाया और उस पर वो चढ़ गया, जिससे कि वह ऊपर रखे हुए फ़ोन तक पहुंच सके। दुकान का मालिक चुपचाप उस लड़के की बातचीत सुनने लगा। बालक ने एक महिला को फ़ोन मिलाया और बोला, क्या आप मुझे अपना बगीचा और लोन काटने का काम दे सकती है? इस पर वह महिला फ़ोन के दूसरी ओर से बोली, मेरे लोन की कटाई का काम पहले से ही कोई कर रहा है। बालक ने कहा, किंतु मैं आपके लोन की कटाई का काम उससे आधे दाम पर करने के लिए तैयार हूँ। महिला ने उत्तर दिया, जो लड़का मेरी लोन की कटाई का काम कर रहा है, मैं उसके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस पर वह बालक और अधिक निश्चयपूर्वक बोला, मैं आपके लोन के चारों ओर का रास्ता भी साफ कर दिया करूँगा और आपके घर के बाहर के शीशे भी साफ कर दिया करूँगा। बोली, नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद। यह सुनकर वह बालक मुस्कुराया और उसने फ़ोन रख दिया। दुकान का मालिक, जो कि उस लड़के की बातचीत सुन रहा था, उसकी ओर आया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ। वास्तव में खुशी होगी अगर आप नौकरी पर रहोगे। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, काम पसंद करोगे? इस पर वह बालक बोला, धन्यवाद, पर मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। दुकान का मालिक बोला, बेटा, तुमने तो अभी अभी फ़ोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ाया, नौकरी के लिए बात की। इस पर बालक बोला, नहीं महोदय, मैं तो केवल अपनी कार्यकुशलता का परीक्षण कर रहा था। दरअसल जिस महिला को मैंने फ़ोन किया था, मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। वह आगे बोला, और उससे बात करने के पश्चात यह जानकर मुझे बहुत अधिक आत्मसंतोष मिल रहा है कि वह महिला मेरे कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्या हम लोग इस छोटे से बालक से आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं?